हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सबके समक्ष एक नया वीडियो सेशन लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज समाप्त हुई एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की परीक्षा का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या बातें करेंगे, किन किन टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी वो इस सेशन का कंटेंट ही होगा। लास्ट ईयर का कट ऑफ एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का क्या था, और इस साल जो एग्जाम्स हुए हैं उसके एग्जाम डिटेल, शिफ्ट वाइज कौन से सेक्शन में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हैं, कैसा मतलब अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट क्या है, कितना रेंज जा सकता है, और ओवरऑल लेवल ऑफ क्वेश्चंस इन ऑल शिफ्ट क्या रहा। मतलब एक तारीख को जो एग्जाम हुए थे और आज जो 8 तारीख को जो एग्जाम हुए, उन दोनों का ओवरऑल क्वेश्चन ऑफ लेवल क्या रहे हैं इन दोनों शिफ्ट के एग्जाम्स में। आगे बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिसका आप सभी को इंतजार है, कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का क्या होगा, ये भी देखेंगे। और बात करेंगे कि एकदम यही सुटेबल कट ऑफ होगा। फ्रेंड्स, इधर उधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपका इतना स्कोर है तो बेझिझक आप मेंस का प्रिपरेशन करते रहिए, ताकि आपको एसबीआई पीओ पीओ मेंस भी क्लियर करने में आसानी होगी, क्योंकि आपको थोड़ा एज मिलेगा। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट ईयर का एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या था। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ एसबीआई पीओ का पैटर्न था वो सेक्शनल कट ऑफ पे बेसिस था। मतलब सेक्शनल भी क्वालिफाई करने हैं और ओवरऑल तो क्वालिफाई करने ही थे, तो उसमें जो सेक्शनल कट ऑफ था उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो जनरल के लिए कट ऑफ था 10.25 था, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 8.75 था, और रीजनिंग के लिए 6.50 था। मतलब कि सिर्फ क्वांट का ज्यादा था, इंग्लिश का 8.75-9 के आसपास था, और रीजनिंग काफी डिफिकल्ट होता है, तो रीजनिंग का काफी, मतलब ये सेक्शनल कट ऑफ है। सिमिलरली जो ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए था वो 0.37 था, इंग्लिश भी अंडर 6 था, और रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग एबिलिटी 4 था। मतलब इतना क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका रिजल्ट सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे और आप ओवरऑल कट ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अब जो ओवरऑल कट ऑफ थी फ्रेंड्स, वो थी जनरल के लिए 51.50, ओबीसी के लिए 48.25, एससी के लिए 43.25, एसटी के लिए 31.25, ओएच के लिए 38.75, वीआई के लिए 42.50, और एसआई के लिए 18.50। मतलब कि 100 में से 51.50 जनरल को लाने थे लास्ट ईयर कट ऑफ प्रीलिम्स का क्लियर करने के लिए, साथ ही साथ सेक्शनल कट ऑफ भी क्वालिफाई करना था। लेकिन जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस साल एसबीआई ने नया पैटर्न निकाला है जिसमें सेक्शनल कट ऑफ को हटा दिया है और सेक्शनल टाइमिंग दे दिया है कि आपको 20 मिनट अलग अलग तीनों टॉपिक्स के लिए, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मिलेंगे। क्वांट एप्टीट्यूड के लिए 20 मिनट मिलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20 मिनट मिलेंगे, और रीजनिंग एबिलिटी के लिए यू विल गेट 20 मिनट्स ईच। तो टोटल एक घंटे में आपको 60 क्वेश्चन करने थे। इस तो जो पहले बच्चे क्या करते थे, क्वांट और रीजनिंग को के लिए ज्यादा टाइम देते थे और इंग्लिश के लिए कम टाइम देते थे, जैसा कि पहले भी मैं एसबीआई क्लर्क वाले में भी बता चुका हूँ कि 16 का चलता था, 22 मिनट क्वांट के लिए, 22 मिनट रीजनिंग के लिए और 16 मिनट इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ऐसा कि स्क्रीन पे तो देखने से पता चला है रीजनिंग ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन वैसे इंग्लिश में स्कोर कर पाना काफी मुश्किल होता है एसबीआई पीओ की परीक्षा में। तो फ्रेंड्स, जो हम देख लेते हैं 1 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसका गुड अटेम्प्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज जो 30 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, उसमें 16 से 19 गुड अटेम्प्ट माना गया था। ये पहले जुलाई 1 जुलाई की एग्जामिनेशन के लिए है फ्रेंड, 1 जुलाई मतलब जो पिछले संडे को हुआ था उसके एग्जाम के लिए, उस दिन के लिए। रीजनिंग एबिलिटी 17-21 का बीच का गुड अटेम्प्ट माना गया, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 19-21, तीनों के लिए 20-20 मिनट्स ईच टाइम है, और टोटल जो गुड अटेम्प्ट माना गया 57-61 के बीच माना गया। क्योंकि फ्रेंड्स, इस साल क्वेश्चन काफी थोड़ा बहुत लेवल इसका लो है, मतलब इजी वाले क्वेश्चन काफी ठीक ठाक नंबर्स में अवेलेबल हैं, इस वजह से ये जो गुड अटेम्प्ट है वो थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इसका इफेक्ट कट ऑफ पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इसकी भी डिस्कशन करेंगे। तब तक देख लेते हैं आज जो हुआ 8 जुलाई को जो हुआ पेपर उसका क्या है। हालांकि चौथा शिफ्ट में बच्चों से बात कर रहा था तो कह रहे थे कि काफी डिफिकल्ट पेपर आए हैं और रीजनिंग में 10 मार्क्स के भी करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो कुछ बच्चों से मैंने 8-10 बच्चों से बात की और सबका ऑलमोस्ट यही था कि रीजनिंग आज का जो आखिरी सेशन था, आखिरी शिफ्ट जो था 8th का, वो काफी डिफिकल्ट था, और क्वांट भी ठीक ठाक था, लेकिन इंग्लिश
ओवरऑल एक ही रेंज में था। तो हम बात करेंगे तो इंग्लिश का जो था 21 से 26, मतलब आउट ऑफ 30 21 गुड अटेम्प्ट, मतलब काफी ठीक ठाक था, बच्चे काफी अच्छे कर रहे हैं इंग्लिश में। रीजनिंग का जो था वो 14 17। जी हाँ, यहाँ पे डिफिकल्टी आपको समझ में आ रही है कि पहले सेशन में आप देख रहे हैं 17 to 21 और मतलब 1 जुलाई को, और वही यहाँ पे 14 to, लेकिन लास्ट में बच्चे 10 to 14 के आसपास कह रहे थे, इस तरह का उनका रिस्पॉन्स था। न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पे 18 to 23 है, और टोटल जो है ओवरऑल गुड अटेम्प्ट में माना जाएगा 58 to 64। लेकिन चूंकि पेपर काफी वेरिएबल रहा है, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा, इस वजह से फ्रेंड्स कट ऑफ पे भी काफी डिपेंड पड़ने वाला। कट ऑफ 58 और 64 के रेंज में न जाके थोड़ा सा कम आ जाएगा, क्योंकि सारे शिफ्ट उतने अच्छे पेपर नहीं गए हैं। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा इस साल की एसपीओ प्रीलिम्स परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स जो अनुमान है मेरा, और फ्रेंड्स अगर आपका नंबर 55 से 60 के बीच हैं और आप जनरल कैंडिडेट हैं, तो आप बेफिक्र होकर लग जाइए एसबीआई पीओ मेंस की परीक्षा में और आप क्लियर कर लेंगे। ओबीसी के लिए सेम बात वही 50 से लेके 55 तक, एससी के लिए मैं कह रहा हूँ 45 से लेके 50 तक, एसटी के लिए 35 से 40 तक, ओएस के लिए 40 से 45 तक, और वीआई के लिए 45 to 48 तक, एचआई के लिए 21 to 24। यही फ्रेंड्स कट ऑफ है, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। जी हमें जैसा मैंने बताया ये 55 से 60, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा एसबीआई पीओ का, ये लिख के ले लीजिए। वीडियो आपका यही रहेगा, कहीं नहीं मैं वीडियो हटाने वाला हूं, और आप लोग जिस दिन रिजल्ट निकलेगा कहीं कहेंगे कि क्या सही प्रेडिक्शन किया था कट ऑफ का, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ सर्वे किया था मैंने, जिसमें बच्चों ने अपने अपने मार्क्स रिस्पॉन्स भेजे थे, और उसके अकॉर्डिंग मैं एक कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ फ्रेंड। तो बी श्योर हो जाइए कि यही कट ऑफ रहेगा, इससे बाहर कट ऑफ रेंज नहीं जाएगी। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ओपन योर विंग्स चैनल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल फॉर द मेंस, गुड लक।